मैं विनीता गुप्ता, आज के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से, सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट में। मेरा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम पार्ट 3। इसमें मैं आज लघु उद्योग सेवा संस्थान, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC, राज्य व्यापार निगम और कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट SISI, लघु उद्योग सेवा संस्थान। लघु उद्योग क्षेत्र में विकास हेतु इस संस्था की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की गई। यह लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत अर्थात सीडो के अंतर्गत कार्य करता है। प्रत्येक राज्य में स्थित कार्यालय के अलावा अन्य शहरों में भी इस संस्थान के कार्यालय एवं कार्यशालाएं हैं। इन कार्यशालाओं में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं उद्योगों हेतु कल पुर्जों और औजारों का निर्माण भी उचित दर पर किया जाता है। इस संस्थान द्वारा निम्न क्षेत्रों में सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। सबसे पहला है तकनीकी टेक्निकल। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण हेतु विधि, मेथड या प्रोसीजर, मशीनों औजारों का विवरण एवं प्राप्ति स्थान इत्यादि की जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है। प्रबंधकीय, लघु उद्योगों के सफल संचालन हेतु एवं प्रबंध के क्षेत्र विभिन्न पहलुओं पर सलाह एवं सहायता प्रदान करना। थर्ड है अर्थव्यवस्था संबंधी इकोनॉमिक, उद्यमियों को अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियों हेतु सूचना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। फोर्थ है प्रशिक्षण सुविधाएं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज। लघु उद्योग सेवा संस्थान निम्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें फर्स्ट है तकनीकी, विभिन्न ट्रेड में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संस्थान द्वारा चयन के पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं एवं प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इस विभाग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों हेतु निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। युवा उद्यमिता पाठ्यक्रम, महिला उद्यमिता पाठ्यक्रम, ग्रामीण हस्तशिल्प पाठ्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार उद्यमिता पाठ्यक्रम। फिफ्थ पॉइंट है प्रकाशन पब्लिकेशन। लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा निम्न प्रकाशन भी प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें पहला है लघु उद्योग समाचार, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। दूसरा है SISI समाचार पत्र, SISI न्यूज़लेटर। तीसरा है निर्यात समाचार विज्ञप्ति, एक्सपोर्ट न्यूज़ बुलेटिन। सिक्स पॉइंट है सहायक उद्योगों का विकास। लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा सहायक उद्योगों के विकास हेतु वृहद एवं मध्यम उद्योगों के साथ व्यवस्था की जाती है। वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा काम में लिए जाने वाले कल पुर्जों एवं कच्चा माल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित हो ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस हेतु क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे औद्योगिक इकाइयों को ज्ञात हो सकता है कि उनके उत्पादों की पूर्ति एवं बिक्री के स्रोत कहाँ उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC। भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम की स्थापना 1953 में मुख्यतः प्रौद्योगिकी विकास में सहायता एवं देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु की गई। NRDC अन्य अनुसंधान संस्थाओं जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास निगम परिषदों के सहयोग से मिलकर कार्य करता है। प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में बेंच स्किल से पायलट स्किल के प्रारूप तैयार करके नई प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। इसके साथ साथ निगम ग्रामीण जनजीवन की सहायता के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को गांव में पहुंचाने में भी सक्रिय है। वर्तमान में पूरे देश के विभिन्न भागों में निगम के 29 ग्रामीण
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के कार्य को सरल रूप में निगम क्रियान्वित करता है। बर्मा, फिलीपींस, केन्या, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करके निगम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां अर्जित की हैं। निगम आविष्कारों अनुसंधानकर्ताओं को जिनके पास अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उन्हें आवश्यक स्रोत उपलब्ध कराकर उनके कार्यों को साकार रूप में बदलने में सहयोग करता है। इस कार्य के लिए निगम पुरस्कार एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC राज्य व्यापार निगम के बारे में। इसकी स्थापना 1956 में संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में की गई थी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य निर्यात की वृद्धि करना और ऐसी वस्तुएं आयात करना जिनके लिए सरकार समय समय पर निर्देश दे तथा उद्योगों का आयातित कच्चा माल उचित मूल्य पर और समय पर उपलब्ध कराना है। विभिन्न सरकारी अभिकरण प्रत्येक वर्ष कच्चे तथा पक्के माल का आयात करते हैं। सरकार द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों में भारतीय राज्य व्यापार निगम सबसे बड़ा अभिकरण है। निगम विभिन्न वस्तुओं की एक साथ सूची बनाकर विदेशी सप्लायर को थोक मात्रा में आदेश देकर सस्ती दरों पर माल की खरीद करता है और फिर पंजीकृत मांग के अनुसार उन्हें वितरित डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस प्रकार निगम के आयात संबंधी कार्यक्रम इस प्रकार हैं। पहला, ऐसी वस्तुओं का आयात जिनके लिए निगम को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कच्चा रेशम, उर्वरक, कास्टिक, पारा आदि। दूसरा, उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं तथा कच्चा माल आयात कर उनकी पूर्ति करना। निर्यात संबंधी कार्य, निगम आयात के साथ साथ निर्यात में भी सहायता प्रदान करता है। काफ़ी वस्तुओं का निर्यात निगम के माध्यम से होता है। विपणन में सहायता देने के उद्देश्य से निगम ने लघु उद्योगों को निर्यात के लिए सहायता नाम की योजना बनाई है। इसमें लघु उद्योगों को निगम के पास अपने उद्योग को पंजीकृत कराना होता है। निगम विदेशी मांग को पूरा करने के लिए इन उद्योगों से विदेशी स्तर की वस्तुओं को खरीदकर उन्हें आपूर्ति करता है। इसके लिए निगम नाम मात्र का कमीशन लेता है। सेकेंड, ऐसी वस्तुओं का निर्यात जिनके लिए निगम को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कच्चा लोहा, सीमेंट तथा नमक आदि। लघु उद्योगों को निर्यात द्वारा विपणन में सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, निर्यात सहायता योजना में निम्न वस्तुएं हैं। कृषि संबंधी उपकरण एवं औजार, वाहनों एवं साइकिल के पार्ट्स, डीजल इंजन, बिजली का घरेलू सामान, टाइपराइटर, डिब्बा बंद खाद्य सामग्री, स्टील फर्नीचर, शल्य चिकित्सा औजार और उपकरण, टेलकम पाउडर, ऊनी स्वेटर, टोपी, मोजे, सिलाई मशीन, नकली गहने, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, कंघियाँ व अन्य सामान, PVC की तारें और केबल आदि। अब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की, वाणिज्यिक बैंक। भारतीय स्टेट बैंक और सहायक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंक उद्योगों को उनकी आवश्यकता के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं का लाभ औद्योगिक इकाइयों को इस प्रकार से प्राप्त होता है। पहला है टर्म लोन, सावधि ऋण। यह ऋण नई इकाई स्थापित करने, वर्तमान इकाई के विस्तार हेतु, उत्पादन की गुणवत्ता में वर्तमान मांग के अनुसार परिवर्तन लाने हेतु प्रदान किया जाता है। ऋण फैक्ट्री के भवन, शेड निर्माण हेतु एवं मशीनों और यंत्रों की खरीद और उनके स्थापन हेतु प्रदान किया जाता है। यह ऋण निर्माण कार्य के अतिरिक्त सेवा कार्य हेतु भी प्रदान किया जाता है, जैसे मशीनों एवं यंत्रों की मरम्मत, स्कूटर, कारों, ट्रैक्टरों की मरम्मत कार्य हेतु, विभिन्न सेवा स्थलों के स्थापन हेतु भी ऋण प्रदान किया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन, कार्यशील पूंजी ऋण। बैंकों द्वारा इकाइयों को कच्चा माल प्राप्त करने हेतु अग्रिम बिलों की स्वीकृति, माल के रखाव के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
फैक्ट्री भवन में ही स्थित गोदाम में कच्चे माल पर बैंक दृष्टि बंधक कर ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार निर्माण विधि के अंतर्गत चल रहे माल पर एवं बिक्री हेतु तैयार माल पर भी ऋण प्रदान किया जाता है। अग्रिम बिल की स्वीकृति से तात्पर्य यह है कि जिन स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है उनके बिलों का भुगतान बैंकों द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को ऋण देने व उनके उत्पादों के विपणन में सहायता कर रही एजेंसियों को रीफाइनेंस प्रदान करना। लघु उद्योग इकाइयों को वित्त पोषण के उद्देश्य से RFC रिक्को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष बॉन्ड्स को भी जारी करने पर अंशदान प्रदान करना। गैर कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा जारी विशेष बॉन्ड्स के लिए योगदान प्रदान करना। थैंक यू।